हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज टॉपिक है हमारा क्लास ट्वेल्थ के लिए अकाउंटिंग का टॉपिक है एडमिशन। और एडमिशन में टॉपिक बात करेंगे आज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब अकाउंटिंग के अंदर ट्वेल्थ क्लास के अंदर सीबीएसई बोर्ड हो आपका या कोई दूसरा बोर्ड हो, आपका स्टेट बोर्ड हो, सब में टॉपिक होता है। सब बोर्ड में एक टॉपिक आता है क्लास ट्वेल्थ में, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मतलब जब पार्टनरशिप में नया पार्टनर एडमिट हो जाता है तो उसे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर बोलते हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंदर एक टॉपिक होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप इसे एग्जांपल समझिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है और क्यों हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझना, आप दो पार्टनर हैं मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, दोनों ने फर्म स्टार्ट करी थी 2018 में, दोनों ने पैसा इंट्रोड्यूस करा था 1,00,000 रुपया और 1,00,000 रुपये। अब 2 साल हो चुके हैं, 2020 है, इनकी फर्म अच्छी चल रही है, फल फूल रही है, मतलब बहुत अच्छी इनका बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छी फर्म चल रही है और प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब ये बात मिस्टर जेड देखता है, मिस्टर जेड देखता है यार फर्म बहुत अच्छी चल रही है। आता है मिस्टर जेड मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के पास, लो 1,00,000 रुपये मुझे भी फर्म में एडमिट कर लो, 1,00,000 रुपये लो मुझे भी फर्म में एडमिट कर लो, 1,00,000 रुपये की कैपिटल लो। क्या मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई मिस्टर जेड को एडमिट कर लेंगे? आंसर होगा नो, क्योंकि उसे पता है अब फर्म प्रॉफिट दे रही है तो अब आप एडमिट होने आ रहे हो। स्टार्टिंग में जब आपको रिस्क लग रहा था कि क्या पता फर्म चले या ना चले, तो आप एडमिट होना नहीं चाहते थे। तो इसलिए अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जेड को एडमिट करने के लिए उससे कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेंगे प्रीमियम। यस, कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेंगे प्रीमियम, इसी को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब कुछ पैसे जो उन्होंने बिजनेस को चलाया है, बिजनेस की जो गुडविल पैदा करी है मार्केट में, उसके लिए भी कुछ पैसा लेंगे, इसी को हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और जो ये पैसा ला के देगा, 1,00,000 रुपये तो कैपिटल हो गया इसका, इसके अलावा ये कुछ पैसा और लेकर आएगा जिसे बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब गुडविल का प्रीमियम। अगर ये कैसे डिसाइड होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अपने गुडविल की कीमत लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे। सपोज़ करो वैल्यू ऑफ गुडविल है फर्म की 1,50,000। अब मिस्टर जेड से पूछा जाएगा आपका रेशियो कितना लेना चाहते हो आप रेशियो, मान लो ये 1/3 रेशियो लेंगे, 1/3 मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/3, मान लेते तीन लोग इक्वल बांटेंगे 1/3 1/3 1/3, तो गुडविल के 1/3, 1,50,000 का 1/3 होता है आपका 50,000 को उसको और लाना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम देयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,00,000। मतलब 1,00,000 का कैपिटल तो है ही, उसके अलावा 50,000 आप प्रीमियम लेकर आओ गुडविल के लिए, तब हम आपका एडमिशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर समझ आ गया। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोस्तों गुडविल के डिफरेंट केसेस होते हैं, नॉर्मली 6 केस होते हैं गुडविल के। आप अगर 12th क्लास में एडमिशन पढ़ रहे हो तो गुडविल के ट्रीटमेंट के 6 डिफरेंट केसेस हैं, तो मैंने आपको पहले 6 केसेस बताता हूँ कौन से हैं। दोस्तों पहला केस होता है प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन इनटू द बिजनेस। मतलब क्या है इसका, अभी पहले मैं दूसरा केस लिखता हूँ फिर समझ आएगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स। मतलब क्या है इसका, पहला केस होता है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है मिस्टर जेड 50,000 की गुडविल लेकर आएंगे, प्रीमियम लेकर आएंगे, इस गुडविल के पैसे को बिजनेस में, मतलब अब समझने की कोशिश करना, पहले गुडविल का जो पैसा लेकर आएंगे मिस्टर जेड, उसको मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आपस में बांटेंगे, क्योंकि इन दोनों को लॉस हुआ है मिस्टर जेड के आने की वजह से। क्यों लॉस हुआ है? सर देखो, पहले इनका रेशियो था 1:1 इक्वल, मतलब 1/2 मिस्टर एक्स का 1/2 मिस्टर वाई का।
अब हो गया इनका रेशियो 1:1:1, मतलब 1/3। तो पहले आपको हाफ प्रॉफिट मिल रहा था, अब आपको 1/3 प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपका लॉस तो हुआ है ना। तो इस लॉस को पूरा करने के लिए मतलब ये सोचेंगे, मतलब ये है इसका कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इस लॉस को पूरा करने के लिए गुडविल के पैसे आपस में दोनों बांट लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। जो पार्टनर आपस में पैसा बांटते हैं उन्हें सेक्रीफाइजिंग पार्टनर बोलते हैं। दोस्तों एक बात और समझिए, जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई मान लेते हैं दोनों ने 50,000 को 25,000 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इस 25,000 पैसे का क्या होगा? दो ऑप्शन है, या तो ये पैसा निकाल के अपने घर ले जाएं, या बिजनेस में ही रहने दें, कोई बात नहीं। उनकी कैपिटल पहले 1,00,000 थी, अब बढ़कर 1,25,000 रुपये हो गई है। समझ आ रही बात आपको? जब पार्टनर गुडविल का पैसा, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, बिजनेस में ही रहने देते हैं तो उसे केस वन बोलते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन इनटू द बिजनेस, छोड़ दिया बिजनेस में ही, अब उनकी कैपिटल बढ़कर जो 1,00,000 थी अब 1,25,000 रुपये हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर ये गुडविल का पैसा निकाल लें, प्रीमियम कह दें मेरे 25,000 रुपये मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाता हूँ, तो उसे बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल विदड्रॉ बाय सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर इस पैसे को निकाल लेते हैं। अच्छा, पैसा 25,000 पूरा निकालें, हाफ निकालें, ये डिपेंड करता है उन पार्टनर्स पे। ठीक है दोस्तों, दो केस हो गए। केस नंबर 3 समझते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रोट इन काइंड, मतलब क्या इस केस को समझते हैं। केस नंबर 3, मिस्टर जेड कहते हैं देखो सर, मेरे पास ना 50,000 के गुडविल के पैसे नहीं हैं, तो एक काम करो आप, गुडविल के पैसे तो हैं नहीं मेरे पास, मेरी मोटरसाइकिल ले लो, मेरी कार ले लो, मेरे पास कुछ गुड्स हैं गुड्स ले लो। मतलब कैश ना होकर वो किसी और फॉर्म में ला रहे हैं, मतलब असेट्स के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। तो जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश की जगह असेट्स के फॉर्म में लाता है तो उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। ठीक है दोस्तों, चौथा केस समझते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली, मतलब न्यू पार्टनर मिस्टर जेड मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को प्राइवेटली उनके पास मिलने जाते हैं, उनके घर जाते हैं, और घर जाने के बाद कहते हैं सर आप 25,000 रुपये मिस्टर एक्स आप लो, 25,000 रुपये मिस्टर वाई आप लो, मेरे गुडविल के पैसे आपको दे दिए, अब मेरा एडमिशन करा दो। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन करा दो, मुझे भी पार्टनर बना लो। जब कोई पार्टनर प्राइवेटली किसी दूसरे पार्टनर को कोई ट्रांजेक्शन करता है, मतलब कोई पैसा देता है, प्रीमियम फॉर गुडविल देता है, तो इसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। दोस्तों अब एक बात बताओ, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में हम फर्म के लिए करते हैं, पार्टनर्स के लिए नहीं करते हैं? ज़रा समझने की कोशिश करो। अकाउंटिंग का सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर मतलब पार्टनर्स एंड फर्म्स आर टू डिफरेंट एंटिटी, मतलब सेपरेट एंटिटी। तो आपको जो अकाउंटिंग करनी है फर्म के लिए करनी है, ना कि पार्टनर के लिए करनी है। आपको अकाउंटिंग फर्म के लिए करनी है, पार्टनर के लिए नहीं करनी। अब पार्टनर आपस में क्या करते हैं बाहर, फर्म के बाहर क्या करते हैं, तो फर्म को उससे क्या मतलब है? तो इसका मतलब प्राइवेटली जब भी कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को कोई पैसा देता है या प्रीमियम फॉर गुडविल देता है, तो उसकी फर्म्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी। जब तक आप फर्म के अंदर पैसा नहीं लाओगे तो फर्म उसकी एंट्री नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, मालिक घर जाने के बाद क्या करता है, किससे मिलता है, किसको पैसे देता है, किसको लोन देता है, तो फर्म को उससे क्या मतलब है? फर्म किसी को लोन देगी, फर्म किससे पैसा रिसीव करेगी, तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी, ना कि मालिक जो पर्सनली किसी के साथ ट्रांजैक्शन करता है उसकी एंट्री दोस्तों बिल्कुल नहीं होगी। नहीं तो हमारी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। कैसे? मालिक ने कार परचेज करी है, ओनर ने पार्टनर ने कार परचेज करी है, कार परचेज करी, क्या फर्म की बैलेंस शीट में शो कर दें, असेट्स दिखा दें? मालिक ने बंगला, मतलब पार्टनर ने बंगला खरीदा है, एक हाउस खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, पर्सनली है वो, तो अगर हम उसे फर्म्स की असेट्स में दिखा देंगे तो फर्म की असेट्स का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगी। मतलब पर्सनल असेट्स को फर्म के असेट्स साथ मर्ज करेंगे तो
तो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। ये नहीं पता लग पाएगा हमें फर्म की रियल असेट्स कितनी है, इसलिए आपको अकाउंटिंग जो करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हमारी बुक में कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। चार केस हो गए, केस नंबर फाइव न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग कैश फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग कैश फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब मिस्टर जेड कहते हैं सर 1,00,000 रुपये का कैपिटल ले लो आप, मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कोई भी पैसा नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो था मैं आपको दे रहा हूँ 1,00,000 रुपीज़ आप ले लीजिए, मेरे पास आई हैव नो मनी अदर देन दीज 1,00,000 रुपीज़, तो मैं असमर्थ हूँ, अनएबल हूँ, नॉट एबल, तो इसको केस नंबर फाइव बोला गया है। दोस्तों इस केस में क्या होगा, इस केस में मैंने आपको भी बताया है कि गुडविल के पैसे बहुत ज़रूरी हैं, गुडविल के बिना किसी पार्टनर का फर्म में एडमिशन नहीं हो सकता, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल के बिना हम एडमिट नहीं कर सकते। दोस्तों इस केस में क्या होगा, जब कोई पार्टनर गुडविल के प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लाने में असमर्थ होता है, अनेबल होता है, तो इस केस में हम उसकी कैपिटल को, अगर वो 1,00,000 रुपये की कैपिटल लेकर आता है तो कैपिटल को 50,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल मानेंगे और 50,000 रुपये उसकी कैपिटल मानेंगे। ठीक है दोस्तों, केस नंबर फाइव हो गया आपका कंप्लीट। केस नंबर सिक्स, हिडन गुडविल। ठीक है दोस्तों, हिडन गुडविल, तो टोटल कितने केसेस हैं गुडविल के, 6 केसेस हैं आपके सिलेबस में। मैंने आपको बता दिया प्राइवेटली पेड जो होता है इसकी कोई एंट्री करनी नहीं, आपको कुछ समझना ही नहीं है, अब आपको वैसे ही समझ आ गया होगा प्राइवेटली पेड। दोस्तों तो शुरू करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ आज डिटेल में कि किस तरह से मैं आपको ये दो केस, ये तीन केस आज कराने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे ये दो केस रह जाएंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला केस है केस वन, प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन इनटू द बिजनेस। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको इसे थोड़ा पहले समझाता हूँ केस क्या है ये। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, रेशियो है इनका 1:1, मतलब इक्वल रेशियो है। जेड इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। ठीक है दोस्तों, तो इनका न्यू रेशियो होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं 1:1:1, मतलब फिर से इक्वल हो गया। गुडविल जो है हमारी फर्म की, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000। ठीक है दोस्तों, चलो थोड़ा चेंज करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म है आपकी 1,50,000। मैं उसी एग्जांपल से लिंक करता हूँ जो मैंने आपको समझाया अभी। गुडविल ऑफ द फर्म है 1,50,000। दोस्तों ज़रा समझने की कोशिश करनी है आपको एक चीज़, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ उस पर ध्यान देना। एक्स वाई जेड राइट ऑन गुडविल बिफोर एडमिशन, एडमिशन से पहले तो रेशियो ये था, तो गुडविल जो थी ना वो गुडविल पर किस किस का राइट था, एक्स और वाई का। तो अब आप इसको इक्वली बांटेंगे तो 75 और 75 आएगा, इसका तो कुछ था ही नहीं क्योंकि पहले पार्टनर था ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आफ्टर एडमिशन क्या होता है,
आफ्टर एडमिशन जो होता है तीन पार्टनर हो जाते हैं और रेशियो हो जाता है 1-1-1, मतलब तीन पार्टनर में बांटने हैं आपको 150,000, तो 50,000, 50,000 and 50,000 आपके तीन पार्टनर हैं। दोस्तों सेक्रीफाइस कौन करता है, इसको कितना लॉस हुआ, मतलब 75 में से 50 लेके 25,000 का लॉस हुआ सेक्रीफाइस, इसको कितना लॉस हुआ 25,000 का लॉस हुआ सेक्रीफाइस, इसको सेक्रीफाइस नहीं हुआ बल्कि माइनस में आ गया इसका, तो फिर इसका मतलब गेन हुआ, मतलब मिस्टर एक्स को 50,000 का फ्री में फ़ायदा हो गया है क्योंकि मेहनत करी थी मिस्टर एक्स ने और वाई ने, मिस्टर जेड को इसका बेनिफिट मिल गया। अब मैंने अभी क्या बताया आपको, मिस्टर जेड 50,000 रुपीज़ लेकर आएंगे एज प्रीमियम फॉर गुडविल और इन एक्स और वाई को दे देंगे कितना 25,000, 25,000, ठीक है दोस्तों। एक्स और वाई को बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने क्या बताया अभी, गुडविल के पैसे मिस्टर जेड लाएंगे और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को दे देंगे। तो एंट्रीज क्या होंगे, जरा एंट्रीज समझते हैं, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिफ्टी थाउजेंड जो मिस्टर एक्स मिस्टर जेड ला रहे हैं, 50,000, 50,000, ठीक है दोस्तों। नरेशन है आपका बीइंग कैश ब्रॉट इन एज प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है दोस्तों। पहली एंट्री आपकी क्लियर है। एंट्री नंबर दो, इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करो। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट दो एक्स और वाई में, एक्स कैपिटल अकाउंट के नाम से कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। कितना 50,000 को कितना देना है 25,000 दोस्तों। एक बार समझने की कोशिश करना, कैपिटल दो टाइप की होती है पार्टनरशिप में, पार्टनर्स की कैपिटल दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है चेंजिंग जिसे बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स कैपिटल होगी तो आपको लिखना है करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट वाइज करंट अकाउंट, ठीक है दोस्तों। इतनी बात याद रखनी है आपकी, आपको और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पहला केस क्लियर है आपका, ठीक है दोस्तों, पहला केस क्लियर है। केस नंबर दो क्या कहता है, केस नंबर दो मैंने आपको बताया था जब गुडविल के पैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई उसको विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो जब निकालेंगे, अब मिस्टर एक्स को मिले 25,000, मिस्टर वाई को मिले 25,000, तो अब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी मर्जी है, बिजनेस में छोड़ दें या बिजनेस से पैसा निकाल लें, छोड़ देंगे तो रिटेन हो गया रिटेन, और अगर विड्रॉ कर लें तो ठीक है। तो विड्रॉ करेंगे तो इन दो एंट्री के बाद आपकी तीसरी एंट्री एक और बढ़ जाएगी, तो दो के अलावा आपकी टोटल तीन एंट्री होंगी। दोस्तों रिटेन विड्रॉ की क्या एंट्री होगी, ज़रा इसको भी समझते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा वापस कर दो। कितना 50,000, 25 मिस्टर एक्स निकाल लेते हैं और 25 मिस्टर वाई निकाल लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में ऐसे बोलता है 50% विदड्रॉ कर लिया प्रीमियम, तो 12,500 और यहाँ पर आएगा टोटल 25,000, ठीक है दोस्तों। 40% बोले तो 40% निकाल देना आपको, जो क्वेश्चन बोले जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है। मतलब इफ़ गुडविल इज रिटेन इन टू द बिजनेस ये बोलता है या कुछ नहीं बोलता, क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ लिख के दिखाया है, तो हम मानेंगे गुडविल रिटेन इन टू द बिजनेस है। तो इस केस में केवल आपको दो एंट्री करनी है, गुडविल के पैसे लाने की और ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की, दो एंट्री करी है।
क्वेश्चन में बोलता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो पहले वो पैसा आपको रिसीव करना है न्यू पार्टनर से, गुडविल का पैसा, तो ये एंट्री करनी है। इसके बाद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये एंट्री करनी है। इसके बाद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो आपको तीसरी एंट्री करनी है। टोटल दोस्तों टोटल कितनी एंट्री हो गई? तीन एंट्री हो गई। ठीक है, दो केस आपके क्लियर हो गए। एक बात और समझ लीजिए, आप दो केस क्लियर हो चुके हैं, दो केस मैंने आपको समझा दिए, एक बात और समझ लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में देखो गुडविल ना, मैं आपको बताता हूँ दो टाइप की होती हैं गुडविल, दो टाइप की होती हैं, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो परचेज गुडविल होती है दिस इज़ अ काइंड ऑफ लॉस, मतलब ये एक तरह का लॉस होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, इसको हमें रिटर्न ऑफ करना ज़रूरी होता है। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो गुडविल जो होती है कभी भी बैलेंस शीट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। ज़रा समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब गुडविल पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, या फिर इसको बोलते हैं अपीयर गुडविल, मतलब आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट किसकी है? एक्स एंड वाई की, अभी तक जेड का एडमिशन नहीं हुआ है। तो बैलेंस शीट में असेट्स में दिख रही है आपको गुडविल 10,000 रुपीज़, इसको एग्जिस्टिंग गुडविल या अपेयर गुडविल के बोलेंगे। ये प्रीमियम फॉर गुडविल से बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों, ये परचेज गुडविल है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है, परचेज गुडविल जो होता है फर्म के लिए लॉस होता है, इस लॉस को राइट ऑफ करना। अच्छा आप एक बार बताओ, 10,000 का लॉस है, पार्टनर हैं एक्स और वाई, जेड का एडमिशन आज होगा, तो जब ये लॉस पहले से है तो इसका मतलब ये आज से पहले से है, तो इस लॉस में एक्स और वाई पार्टिसिपेट करेंगे या एक्स वाई एंड जेड तीनों पार्टिसिपेट करेंगे? लॉस कमाया है एक्स और वाई ने पहले, जेड में का एडमिशन हो रहा है आज, तो जेड के का मैं क्यों लूँ भाई ये लॉस, ये तो मेरा तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं इस लॉस में, तो इसलिए ये लॉस केवल एक्स और वाई बॉन्ड करेंगे, मिस्टर जेड का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल या अपीयर गुडविल दिखाई दे आपको, तो इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में आपको बांट देना है, मतलब ये गुडविल जो है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में आपको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या होगी ज़रा ये भी समझा देता हूँ मैं आपको दोस्तों। एंट्री करनी है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू गुडविल अकाउंट। कितना? अगर रेशियो इक्वल है तो 5,000, 5,000 और 10,000, वरना जो रेशियो दिया होगा आपको हिसाब से करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन डिटेल में समझाता हूँ, जरा आप समझने की कोशिश करना, पूरा क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड रुपीज़
1 लाख, गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रुपीज 30,000, चलो चेंज करते हैं थोड़ा, 10,000, ठीक है दोस्तों। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, दोस्तों क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। ए और बी पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2, ओल्ड रेशियो है। एडमिट करा सी को एज न्यू पार्टनर, 1/4 लेगा रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है कितनी, 1,00,000 रुपये। और गुडविल अपीयर, मैंने अभी क्या बोला था, गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कितनी है, 10,000। तो गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 10,000 जो है ये लॉस है, ये लॉस मैंने अभी क्या बताया, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में आपको सबसे पहले से बांटना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे होगा ज़रा समझते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके भी दो केस बना लेते हैं, केस वन गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन इनटू द बिजनेस, दूसरा है केस टू प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ करना है, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल को रिटेन कर देते हैं फर्म में ही रोके रखते हैं तो क्या एंट्री होगी, और गुडविल को विड्रॉ कर लें तो क्या एंट्री होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मैंने अभी टेबल बना के आपको क्वेश्चन समझाया था, बिना टेबल के भी कर देते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दोस्तों इस केस में जिसमें 1/4 इसे लिखा होता है क्वेश्चन 1/5, तो इसमें जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस होता है, तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 आ गया। सी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर इन गुडविल कितना होगा, टोटल गुडविल है 1,00,000 रुपीज़, सी का शेयर होगा 1 लाख का 1/4, तो आपको कितना हो गया 25,000 रुपये गुडविल के पैसे लाएंगे मिस्टर सी, ठीक है दोस्तों। अब जनरल एंट्री देखते हैं कैसे होगी, करते हैं केस वन कंप्लीट करते हैं पहले। केस वन जब प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन कर देते हैं बिजनेस में, ठीक है दोस्तों। पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया जो गुडविल अपीयर है ना, लॉस है 10,000, इसको राइट ऑफ करो, ख़त्म करो इसको, मैंने भी बताया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, मिस्टर ए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कितनी बांटनी है आपको, 10,000 को बांटना है ओल्ड रेशियो में 3:2 में, तो आएगा 6,000 और 4,000 बट गया। उसके बाद जो नया पार्टनर गुडविल के पैसे ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको रिसीव करो, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाए हैं, मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको 25,000 रिसीव करो, ठीक है दोस्तों। तो एंट्री हो गई है, एंट्री नंबर 3, इस गुडविल के पैसों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 में ही बांट दो ए बी में, तो क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना बांटना है आपको,
25,000 को रेशियो में बांटना है 3:2 में, तो 15,000 और 10,000। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल 3 एंट्री हो गई हैं। पहली एंट्री हमने लॉस को ख़त्म करा है दोस्तों। जो अपेयर गुडविल है मैंने बताया उसे लॉस बोलते हैं, उसे केवल एंट्री करते हैं गुडविल, और जो न्यू पार्टनर पैसा लेता है गुडविल के उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। डिफरेंस समझ आ गया, गुडविल जो होता है लॉस होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है पार्टनर्स के लिए एक तरह से प्रॉफिट है, ये गेन है। लॉस देंगे पार्टनर्स को तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और पार्टनर्स को कोई गेन देंगे प्रॉफिट देंगे तो कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं, ये चीज़ माइंड में डाल लो आप। ठीक है दोस्तों, पहला केस क्लियर है। केस नंबर 2 देखो आप, कि प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय ओल्ड पार्टनर। अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो कैसे एंट्री होगी? पहले आपको ये लॉस राइट ऑफ करना है 10,000 का, सेम एंट्री। उसके बाद गुडविल का पैसा रिसीव करना है, सेम एंट्री। उसके बाद गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम एंट्री। एक चौथी एंट्री आपकी और बढ़ जाएगी, गुडविल का पैसा विड्रॉ करने की। तो क्या एंट्री होगी? ए और पैसा विड्रॉ करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000, 10 टोटल मिला के 25,000 रुपये बैंक से दे दिए हमने। ठीक है दोस्तों, क्लियर समझ आ गया आपको, दो केस अच्छे समझ आ गए होंगे। केस नंबर 1 मैंने आपको बताया है कि जब गुडविल का पैसा गुडविल का पैसा रिटेन करते हैं बिजनेस में तो क्या एंट्री होगी, क्या ट्रीटमेंट होगी? अगर पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या एंट्री होगी, क्या ट्रीटमेंट होगी? ठीक है दोस्तों, जो मैंने ये कैलकुलेशन करी है दिस इज़ वर्किंग नोट। जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट है, आपको जनरल एंट्री याद करनी है, नरेशन भी लिखना होता है। नरेशन मैंने फिलहाल इग्नोर कर दिया है, नरेशन आपको मैंने बता दिया था। नरेशन में क्या लिखना होता है? जो एंट्री में किया जा रहा है उसको ही आपको नरेशन में लिखना होता है। बींग यहाँ पर क्या करा था, गुडविल राइट ऑफ क्या था? बीइंग एग्जिस्टिंग बीइंग अपीयर गुडविल राइट ऑफ। दोस्तों यहाँ पर क्या किया था, प्रीमियम के पैसा रिसीव किया था, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव फ्रॉम न्यू पार्टनर। यहाँ पर क्या किया था, गुडविल का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया था, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और यहाँ पर गुडविल का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल विदड्रॉ कर लिया, इसको लिख देना है आपको। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन रह गया है, एक केस मैंने आपको बताया, तीसरा केस प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड का मतलब है, पार्टनर कहता है मेरे पास कैश नहीं है प्रीमियम के लिए, मेरे पास कुछ असेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ब्रॉट इन काइंड बोलते हैं, ज़रा समझते हैं। पार्टनर कहता है, समझने की कोशिश करना, पार्टनर कहता है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स विद PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। दे एडमिटेड आर एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹60,000 ही ब्रिंग द फॉलोइंग असेट्स following assets for goodwill and capital, capital भी इसमें ही है और goodwill भी इसमें ही है। ज़रा देखो क्या क्या लाया दोस्तों, goods लाया है 10,000 रुपीस की, furniture 20,000, debtors
डेटर्स हैं आपके, मान लेते हैं 30,000 के, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इतना ही लाया है फिलहाल वो। तो दोस्तों देखो उसको सॉल्यूशन कैसे करोगे आप। सॉल्यूशन आपको जर्नल एंट्री करनी है, जितनी एसेट्स लाया है सब एसेट्स को डेबिट कर दो आप। जैसे गुडविल को, गुड्स को बोलोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सारी एसेट डेबिट करो 20,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000। कैश तो लाया नहीं है तो कैश को आपको लेना ही नहीं है। टू, सबसे पहले आप प्रीमियम के पैसे अलग करो, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? पूरी फर्म की गुडविल है आपकी 60,000 और शेयर है आपका, मतलब मिस्टर आर का 1/4। तो आर का शेयर क्या होगा? आर शेयर या आपका वर्किंग नोट है, आर शेयर इन गुडविल 60,000 का 1/4 तो आपका होगा 15,000। तो गुडविल के पैसे आप 15,000 अलग करो, ये टोटल करो, ये हो गया 60,000। 60 में से 15 अलग कर दिया, कितना बचा? 45 को बोला जाएगा कैपिटल, किसकी? आर की, आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, पैसा रिसीव हो गया, कैपिटल भी आ गई और प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ गया। इसके बाद क्या होगा? आप इस गुडविल को पहले की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड ही होगा जो कि है आपका 3:1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो ज़रा आप, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, टू किसको देना है आपको प्रीमियम फॉर गुडविल? पी को, पी इज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, डन। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 2:1 में। तो 2:1 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 15,000 को 2/3 और 15,000 का आपका 1/3, तो 2/3 आ गया आपका 10,000 और 5,000। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ब्रॉड एंड काइंड के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने गुडविल के 3 केसेस कंप्लीट करे हैं। पहला केस मैंने आपको समझाया है जो गुडविल को रिटेन करते हैं। दूसरा केस समझाया मैंने आपको जो गुडविल पार्टनर विदड्रॉ कर लेते हैं गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे। तीसरा केस समझाया मैंने आपको कि पार्टनर जो गुडविल के पैसे नहीं, पार्टनर जो होता है पैसा कैश में नहीं ला सकता, काइंड में लाए तो किस तरह से एंट्री करेंगे। दोस्तों मैंने एक बात और समझाई आपको, अगर गुडविल अपीयर या एग्जिस्टिंग गुडविल आए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करते हैं यहीं पे गुडविल का। लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसके ऊपर। बाय बाय।